कृष्णा कोचिंग क्लास की तरफ से मैं आज आपको इंडिया का मैप, जैसे कि आप देख रहे हैं भारत का नक्शा, इसको मैं स्टोरी के जरिए बताऊंगी। अब लेट्स स्टार्ट अवर स्टोरी। हमारी स्टोरी है कि हम मान लेते नहीं है कि भारत का ताज क्या है। भारत का ताज है जम्मू कश्मीर, जो कि ये देख रहे हैं आप। तो जब 370 आर्टिकल नहीं था, 370 आर्टिकल से पहले हमारा जम्मू कश्मीर एक स्टेट था, लेकिन जब 370 आर्टिकल हटा दिया, 370 आर्टिकल हटा दिया, उसके बाद जम्मू कश्मीर दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ये येलो जो ब्लू वाला पोर्शन है वो जम्मू कश्मीर, इधर वाला पोर्शन क्या है, लद्दाख है। अब जम्मू कश्मीर को लेकर डिस्प्यूट रहता है कि पाकिस्तान का है जम्मू कश्मीर, इंडिया का है जम्मू कश्मीर। तो हमारे देश के सैनिक जो है वो इस जम्मू कश्मीर की रक्षा किससे करते हैं, पंजे से। पंजे से तो होते हैं, तो पंजे से एक वर्ड बन गया पंजाब। क्या बन गया? पंजाब। अब एक पॉलिटिकल पार्टी भी है जो पंजे से राज करती थी। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है? वो पॉलिटिकल पार्टी है कांग्रेस। कांग्रेस क्या करती थी पंजे से? राज करती थी। तो राज करना राजस्थान, ठीक है, कांग्रेस एक पावरफुल पार्टी रही है। तो वहाँ से क्या होता था, सारे जितने भी दुश्मन होते थे कांग्रेस के वो गुजर जाते थे। कहाँ से? जहाँ कांग्रेस राज करती थी। तो गुजरना मतलब गुजरात, ये ग्रीन ग्रीन, और राजस्थान ये। उसके बाद फिर कांग्रेस क्या कहलाई? एक महान पार्टी कहलाई। महान से महाराष्ट्र, और जितने भी दुश्मन थे वो गुजर गए, चले गए। चले जाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गो, और गो फॉर गोवा, ठीक है। अब ना कांग्रेस ने अपने दुश्मनों को पकड़ा, तो दुश्मन ना नाटक करने लगे। नाटक से बन गया कर्नाटक। क्या बन गया नाटक से? कर्नाटक। उसके बाद ना कांग्रेस के लिए और दुश्मनों के लिए दोनों के मन में करेले जैसा जहर भर गया। तो करेले जैसा जहर हीरला हीरा ग्रीन ग्रीन। उसके बाद अगर आपके लिए किसी के मन में अगर जहर है तो आप उसके मन में जहर रहने दोगे नहीं। कांग्रेस ने अपने दुश्मनों को क्या खिलाया? लड्डू। और लड्डू से क्या बन गया? तमिलनाडु, ठीक है। अब ना लड्डू में कुछ मिला था, पता नहीं कांग्रेस ने क्या मिला दिया था। तो जितने भी दुश्मन थे वो क्या हो जाते हैं? अंधे। तो अंधे आंध्र प्रदेश। फिर ना जो दुश्मन थे वो क्या लगाते हैं? तेल। क्या लगाते हैं? तेल। और तेल से बनता है तेलंगाना। क्या बनता है? तेलंगाना, ठीक। अब तेल लगा के उनको इतनी मिर्चें लगती हैं आंखों में, इतनी मिर्चें लगती हैं कि बहुत तेज भागते हैं। और भागते तो ऐसा लगता है कि वो उड़ रहे हो। तो उड़ने से उड़ीसा। उसके बाद क्या होता है कि वो पश्चिम में एक बाबा के पास जाते हैं। पश्चिम में कहाँ जाते हैं? बाबा के पास। पश्चिम, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेस्ट बंगाल, ये पोर्शन, ठीक है। उसके बाद ये जो बाबा थे ये उन्हें बताते हैं कि मुझे राइट में जाना। जब तुम मेरे राइट में जाओगे तो तुम एक हार मिलेगा, और उस हार को झाड़ने लगना, और तुम्हारी जो आंखों की रोशनी है सही हो जाएगी। तो वही वो करते हैं, हार लेते हैं उसे झाड़ते हैं। तो हार से बन गया बिहार, और झाड़ने से क्या बन गया? झारखंड। फिर जब उनकी ऐसा करने से उनकी आंखों की रोशनी भी वापस आ जाती है, फिर वो जाते हैं उत्तर में। कहाँ जाते हैं? उत्तर में। तो उत्तर से उत्तर प्रदेश, और उत्तर से उत्तराखंड। वहाँ उत्तराखंड में उन्हें क्या मिलता है? एक हिम, बर्फ का गोला, ठंडा ठंडा। एक उन्हें ठंडा ठंडा बर्फ का गोला मिलता है जो चल रहा था, हिम का गोला चल रहा था। तो हिम का गोला चलना हिमाचल प्रदेश, ठीक है। उसके बाद उन्हें ना भगवान हरि दिखते हैं, उन दुश्मनों को भगवान हरि दिखते हैं। तो क्या कर रहे थे? बांसुरी बजा रहे थे। अब उन हरी हरी से हरियाणा, उनकी बांसुरी की आवाज़ इतनी सुरीली थी, कि उनका जो मन का मध्य भाग था वो मुक्त हो गया। तो मन का मध्य भाग मध्य प्रदेश, ये हमारी। और फिर क्या करते हैं वो जितने दुश्मन थे वो चले जाते हैं छत्तीसगढ़ों में, यानी कि छत्तीसगढ़ में चले जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ में चले गए। तो ये हो गई हमारी जो वेस्ट साइड की स्टोरी थी वो कंप्लीट। और यहीं से आपको सारी स्टेट
याद भी हो गई होंगी। अब हम चलते हैं अपने ईस्ट की तरफ। तो ईस्ट में ना ये बाबा के पास आते हैं। बाबा के पास एक बहुत सारे सिक्के थे। बाबा के पास बहुत सारे सिक्के थे, तो सिक्के से क्या बन गया, सिक्के बन गया। उसके बाद ना यहाँ बाबा के पास आती है बुढ़िया। यहीं पे बाबा के पास आती है बुढ़िया। तो बुढ़िया बंगले की थी, बुढ़िया बंगले की थी, तो बंगले से बांग्लादेश, ठीक है। और बुढ़िया घूमती थी, बंगले की थी और बुढ़िया घूमती थी, तो भूटान भी हो गया। लेकिन भूटान हुआ, नेपाल हुआ, बांग्लादेश हुआ, ये इंडिया की स्टेट नहीं है, ठीक है। अब वो बुढ़िया देखो क्या कहती है कि जो आपने वेस्ट की स्टोरी बताई वो मुझे भी बताओ, लेकिन जो बाबा थे वो मना कर देते हैं, नहीं बताऊंगा मैं। आपको पता है बुढ़िया कौन थी? अन्ना हजारे की मम्मी, अन्ना हजारे की मम्मी। लेकिन और उस बुढ़िया की और बाबा की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी। तो जब बाबा उसे स्टोरी नहीं बताते हैं तो उन दोनों की हो जाती है फ्रेंडशिप, टूट जाती है, ठीक है। और ये जो आपको सेवन सिस्टर्स दिखाई दे रही है, तो सेवन सिस्टर्स हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको ट्रिक बताऊंगी। अन्ना हजारे की मम्मी आई थी ना, तो अन मम्मी और उनकी जो फ्रेंडशिप थी टूट गई, मित्रता टूट गई, तो अमित्री, ठीक है। अन्ना हजारे की मम्मी और अमित्री का मतलब फ्रेंडशिप टूट जाना। तो अब हम इन वर्ड्स को तोड़े। आ अरुणाचल प्रदेश, ना नागालैंड, मा मणिपुर, मी मिजोरम, आ आसाम, मे मेघालय, त्री, ठीक है। अब हमारी रह गई जो 9 यूनियन टेरिटरीज है, वो 370 आर्टिकल से तो जब हटा नहीं था उससे पहले तो हमारी 7 यूनियन टेरिटरीज थी, लेकिन अब कितनी है? 9। देखो उसकी भी ट्रिक है कि बाबा की, जब वो ये पूछ रही थी, जब अन्ना हजारे की मम्मी उनसे स्टोरी पूछ रही थी, तभी क्या होता है कि ये जो बाबा थे, बाबा की ना ग्रैंड डॉटर बुलाने आ जाती है और वो कहती है दादा आप जल्दी चलो, दादा आप जल्दी चलो। इसी से ही ना हमारी जो 9 यूनियन टेरिटरीज है वो बन जाएंगी। देखो दमन और दीव, दादर और नगर हवेली। दमन और दीव कहाँ है? गुजरात में। दादर और नागर हवेली कहाँ है? महाराष्ट्र में। आप, आप आ से क्या बना? देखो यहाँ लिखा है अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, ये रहा। पुदुचेरी, पुदुचेरी कहाँ है? ये रहा। पहले इसका नाम पांडिचेरी था और इसका नाम क्या है? पुदुचेरी। उसके बाद जल्दी जल्दी जा से जम्मू कश्मीर, ला से लद्दाख, दी से दिल्ली, ये हरियाणा, ठीक है। चलो चा से चंडीगढ़, चा से चंडीगढ़, चंडीगढ़ ये रहा। चलो ला से लक्षद्वीप, लक्षद्वीप ये रहा। ये हमारी अरेबियन सी, ये हमारा बे ऑफ बंगाल, ये चाइना, इधर पाकिस्तान और उससे ऊपर अफगानिस्तान। ये था हमारा इंडिया का मैप। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और थैंक यू।